बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम कहाँ घूमने आए हैं उसको बताएंगे। और फिलहाल मैं अपने फैमिली वालों के साथ आई हूँ, मतलब अम्मी अब्बू सब घर आए हुए थे ना, तो उन सबको लेके मैं यहाँ आई थी ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ। नहीं, हम लोग को घूमना ही था। वो लोग इतने दिन से आते जाते थे ना, तो कहीं घूमते नहीं थे, कोई प्लेस ऐसा नहीं मिलता था हम लोग के लिए। लेकिन फिर हम लोगों ने इस बार प्लान किया कि नहीं, इस बार तो घूमेंगे और कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये जगह का नाम क्या है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन जगह का नाम कहीं लिखा होगा शायद, पता नहीं। फर्स्ट टाइम आई हूँ इसलिए एकदम क्लियर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी आप लोग को डिटेल में बताने के लिए कि कौन सी जगह में आई हूँ। लेकिन व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यू के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सेम वही सिचुएशन है मेरे साथ कि मैं व्यू के लिए कुछ भी कर रही हूँ इस टाइम। तो फिलहाल जिस जगह पर आई हूँ उस जगह का नाम एग्जैक्ट याद करके फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। फिलहाल मैं आप लोग को व्यू दिखा देती हूँ पीछे का। ये पीछे का व्यू है, वहाँ से जो पानी आता हुआ दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और कोई ये जितने लोग भी दिख रहे हैं ना, ये सब पर्यटक जिसे बोलते हैं, देखने आए हुए हैं। कुछ लोग पिकनिक के लिए आए हैं, कुछ लोग इस तरीके से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल मम्मी सामने से इंडिकेट कर रही है ऐसा करना है करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल एक फ़ोटो खींचती हूँ फिर वो दिखाती हूँ ना। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था, मतलब मैं और अम्मी अब्बू भाई बहन जो जो भी आए थे। ये सदाब है, मेरी फूफी का बेटा, और ये बचपन से ही हमारे साथ ही रहता है। तो ये मेरा भी छोटा भाई है, और ये मेरी छोटी बहन है, बहनों में सबसे छोटी है, मेरे से भी छोटी है। अपना फेस छुपा रही है, उसका कहना है कि मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता है कैमरे में। और ये पीछे बैठे हैं बच्चे, इनको हम लोगों ने बहुत कहा कि आगे आ जाओ, बट नहीं, इन्हें पीछे ही बैठना है क्योंकि पीछे से इनको जंगल का फूल देखना है। अभी बोलिए ऐसा रहते। और मम्मी बैठी हैं, फिर ये ससुर और दामाद जी की जोड़ी, ये हैं दामाद जी और ये हैं ससुर जी, मतलब अब्बू और वो। और ये कोई पैलेस था, नहीं पैलेस नहीं था, वो था मतलब बहुत बड़ा कोई मठ टाइप का था, मतलब आश्रम टाइप का था मठ, हाँ ऐसे कुछ बोले थे वो। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन ये मठ यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी आ चुके हैं, बहुत ऐसा ही कुछ बता रहे थे हस्बैंड। कभी डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में भी, मैं खुद फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, बस सुनी थी कि आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, और मठ है एक तरीके से। तो अब देखते हैं क्या होता है, फिर बताते हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे आप रोड और मौसम खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और इस रोड की व्यू बहुत बार आप लोग को दिखा चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली वीडियो नहीं बना रही हूँ। बट ये था कि कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बारिश नहीं हो रही थी। जैसे हमारे आस्था में बारिश ही नहीं हो रही थी, और मसाला यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही थी, रोड वगैरह भी गीला था। और ये जसपुर का ही कोई जगह था, जगह एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इस पर लिखा होगा तो शायद पता चल जाए, अभी नहीं पता चल पाया, अब पता नहीं, हम तो मुझे उसी में बता। तो और यहाँ पे पता है टमाटर की खेती हुई थी, मतलब अच्छे खासे टमाटर के जो साइज हैं वो हो गए थे कंप्लीट, बट रेड नहीं हुए थे। अब रेड हो जाते तो मसाला जो, तो ये सब जो व्यू आप लोग देख रहे हैं सबको सदाब शूट किया है, क्योंकि मैं अगर शूट करती तो फिर मैं इनाया और अल्फी से रिक्स नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं इस प्लेस में बहुत ज़्यादा डीप जगह पे नहीं गई, मैं बहुत ज़्यादा ही ऊपर ही छूट गई थी, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे तो मुझे रिक्स लेना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चे हैं, कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं उन बच्चों को लेकर यहीं पर किनारे बैठ गई थी, और जो आगे का व्यू था उसको देखने के लिए और दिखाने के लिए सदाब को बोल दी थी कि बहुत अच्छे से यहाँ का व्यू को कैच कर लेना, ताकि मैं दिखा सकूँ मोबाइल पर। और ये सबसे अच्छा यहाँ पर क्या लग रहा था पता है, हर जगह तो व्यूज़ बहुत अच्छे थे। और यहाँ का सबसे अच्छा मुझे जो लगा था, मैं वो आप लोग को बता दूँ कि पानी कहीं भी जाइए हर तरफ से झरने टाइप से पानी दिख रहा था, कभी आपको रोड पे दिख जाए, कभी राइट साइड दिख रहा था, कभी लेफ्ट साइड दिख रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो ये जसपुर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे लगता है 8 किलोमीटर के आसपास था जसपुर से, और बहुत अच्छा जगह का नाम था, मैं जगह भूल रही हूँ, मैं इसको अपने क्या बोलते हैं थंबनेल्स में इसके जगह का नाम ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और नाम भी थोड़ा सा अटपटा था ना, सुनी भी टाइम हूँ और गई भी फर्स्ट टाइम हूँ, तो नाम एग्जैक्ट अभी वीडियो बनाने के टाइम याद नहीं आ रहा था। तो अब हस्बैंड जी भी नहीं थे कि मैं उनसे पूछूं कि एग्जैक्ट हम किस जगह पे गए थे। और नीचे का व्यू देख सकते हो, बादल, और ये देखिए, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कहाँ से बादल टच हुआ है, कहाँ से नीचे का पानी टच हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू, तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती आपको, बस मन कर रहा था खड़े हो जाएं और देखते ही रहें। तो अबू लोग बहुत इंजॉय किए, अम्मी भी बहुत इंजॉय की, अम्मी तो इतना दूर पैदल चल के गई भी और आई भी, तो उनको अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं सिर्फ आप लोग को व्यू को ही अच्छे से दिखा देती हूँ। और यहाँ से था एकदम डीप, नीचे बहुत ज़्यादा डीप दिख रहा था, और व्यू बार बार व्यू बोलूँगी तो आप लोग भी पागल हो जाओगे, कितना व्यू ये बोलती हैं, ऐसा नहीं है यार, माशाल्लाह जगह बहुत अच्छी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस जगह पर जाके।
तो यहाँ का जो लोकेशन था वो भी बहुत अच्छा था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, कभी मौका मिले तो यहाँ फैमिली वालों के साथ आइए। वैसे भी पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हैं। और रोड ख़राब हो गई थी थोड़ी बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश की वजह से जो पुल था मतलब पुल था जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, वो पुल डैमेज हो चुका था। इसलिए हम लोगों ने अपना गाड़ी लेके वहाँ पे नहीं गए, वरना पूरा गाड़ी यहाँ तक आने का व्यवस्था था वहाँ पे, बट सिर्फ उस पुल की वजह से फिर यहाँ तक गाड़ी लेके नहीं आए, क्योंकि फिर गाड़ी को बैक करना, फिर गाड़ी को ले जाना लाना थोड़ा सा। उसके बाद मोबाइल अब मेरे हाथ में आ चुका था और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मेरी सिस्टर है, ये बुआ है, मम्मी, ये बुआ का बेटा है, वो मम्मी बैठी हैं, और ये मेरे मामू का बेटा है जो छोटा सा आ रहा है, और पीछे से नाया को अबू जी लेके आ रहे हैं और अल्फ़ी को उसके अबू जी लेके आ रहे हैं। तो ये लोग आ रहे हैं वापस, अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं कि कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है, तो कुछ नॉर्मल खा के देखते हैं। तो फिर हमें एक होटल दिख गया था, कहाँ का ये होटल था, जायका रेस्टोरेंट करके था, ये जसपुर का ही कोई प्लेस था जायका रेस्टोरेंट, वहीं पर हम लोगों ने दोपहर का लंच किया था और मसाला लंच बहुत अच्छा था, हल्का ही लंच किया था हम लोगों ने, मतलब नॉर्मल खाना खाया था, शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि घर में बहुत हैवी हैवी ऑयली खा खा के परेशान हो गए थे और भूख लग गई थी हल्की, तो घर पहुँचते तक अच्छा खासा 1 घंटे का टाइम हो जाता, तो हम लोगों ने कहा लाओ नॉर्मल कुछ हल्का यहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, एग्जैक्ट 2:30 या 3 बज रहे थे, तो खाना खाने का टाइम भी हो चुका था, इसलिए फिर हम लोगों ने यहीं पर ट्राई कर लिया। फिर दोनों बच्चे, अम्मी, अब्बू, हस्बैंड, बहन सब बैठे थे और ये वीडियो शूट कर रहा था सदाब। और यहाँ का जगह भी अच्छा था, खाने का स्वाद भी अच्छा था, क्या क्या दिए थे उन्होंने खाने में वो भी दिखाते हैं। तो ये दाल थी, पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी और सैलेड थी, मैं हल्का ही खा रही थी क्योंकि अभी बच्चों को खिला रही थी, और ये पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, ये सैलेड भी था, अचार, सलाद, पापड़ सब था, मिक्स वेज था, ये इनाया की प्लेट है, इनाया की प्लेट में भी इनाया पनीर लेके रखी है, और ये है आई लव जसपुर। मुझे ये व्यू दिखा तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, तो मेरा भाई जो है वो इस तरीके से वीडियो बनवा रहा था मुझसे। अब हम जसपुर से निकल गए थे अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बच्चों को फ्रूटी पीना था, तो हम लोगों ने उनको यहाँ पे फ्रूटी पिला दिया, वहाँ इनाया पी रही है, यहाँ पे अल्फी पी रही है, और हम लोगों ने भी कुछ बहुत खा पी लिया, और फिर यहाँ से चलते हैं। टाइम एग्जैक्ट 3:30 या 4:15 हो चुका था, घर पहुँचते पहुँचते तो 4 बज ही गए थे हम लोगों को। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, बाबू जी लोग जा रहे हैं, अब्बू जी, अम्मी जी सब जा रहे हैं, और ये वीडियो शूट कर रही थी फलक, मैं रो रही थी इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना एक भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने, मतलब एक अटैचमेंट होता है एक बेटी का एक अपने अब्बू से, तो वो अटैचमेंट हम लोगों का था, और बहुत टाइम बाद मेरी मैरिज हुई थी, तो मैं जो फुल टाइम होता है वो घर पे ही थी, कभी बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी कहीं रहने के लिए नहीं गए, हमेशा अब्बू जी के साथ, तो अब्बू जी अभी मेरे को देख के हंस रहे थे, क्यों रो रही हो, क्या हुआ करके बोल रहे थे मेरे को, तो मैं पर्दे के पीछे ही खड़ी थी और वहीं से रो रही थी, और मुझे देख के भी बाकी लोग भी रोने लगे थे, क्योंकि होता है ना एक बेटी का कि क्या है कैसे है करके, तो वही हो रहा था। तो बस क्या बोलूँ, अब आप लोग देखिए यहाँ पे मेरी बड़ी सास खड़ी हैं, बड़ी सास मतलब हस्बैंड की बड़ी मम्मी, हस्बैंड जी की बड़ी मम्मी, फिर मेरे अम्मा अब्बा खड़े हैं, बड़े अब्बू खड़े हैं, हस्बैंड हैं, और ये लोग गाड़ी में कोई चीज़ सेट कर रहे थे, म्यूज़िक वगैरह जो ब्लूटूथ से चलता था उसको बाबू सेट कर रहे थे, ताकि अब रास्ते भर इंजॉय करते जाएँ, म्यूज़िक सुनते जाएँ, ताकि उनका टाइम कट जाए, क्योंकि अच्छा खासा 5 से 6 घंटे लग जाते हैं ना घर पहुँचने में, इसलिए भी। और यहाँ पे अम्मी अब्बू थे, और इनाया अल्फी अब्बू नानू को नहीं दौड़ाते हैं, नानी को नहीं परेशान नहीं करते, मतलब हम भी जाएंगे करके नहीं, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो मिलते हैं तो इन लोग को अच्छा लगता है, अच्छे से टाइम इन्जॉय करते हैं, उनके साथ रहना, सोना, बैठना सब करते हैं, बट जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पे यहाँ पे सामने दुकान है ना, इसलिए जाने नहीं खोजते, देखो कैसे कर रही थी, इसको पूछ रहे थे जाओगी करके, तो ऐसे कर रही थी, लेकिन जाती है तो वहाँ से यहाँ नहीं आती, और यहाँ रहती है तो वहाँ नहीं जाती है। और अब ये म्यूज़िक वगैरह सेट हो जाएगा तो फिर देखते हैं,
मैं इस वीडियो को फलक बना रही थी उसको अच्छे से नहीं जान रही थी मेरे ख्याल से, इसलिए ऐसे वीडियो बना, वरना मैं उसको और फास्ट करके दिखाती आप लोग को। यहाँ पे नाया को ज़बरदस्ती भेज रहे हैं तो नाया ऐसे कर रही है, नहीं जाऊँगी करके कैमरा बंद करो। नाया अंदर जा रही है अब। मैं यहाँ पे खड़ी थी और मैं रो रही थी इसलिए पलक मेरा वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसको मना किया था मेरा वीडियो बिल्कुल मत बनाना वरना फिर मैं गुस्सा हो रही थी उससे, मत बना वीडियो, कैसा कैसा चेहरा दिख रहा है, मैं कैसे कैसा ड्रेसअप रखी हूँ और उसके बाद तो मेरा वीडियो बना रही है, मत बना पलक करके कह रही थी। मैं किनारे बैठी थी ताकि कोई मुझे ना दे, किनारे खड़ी थी ताकि कोई मुझे ना देखे, वरना रोते हुए देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसा कर रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर घर से आते हैं या जाते हैं तो आप लोग कैसा फील करते हैं। ये अब्बू जी हैं, ये मुझे ज़बरदस्ती, अब क्या बोलूँ, अब्बू अब्बू ही होते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग घर से सब जाते हैं आते हैं ना, तो कुछ पैसे निकाल के किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर से देते हैं, तो वही पैसा अब्बू नाय के अब्बू को दे रहे थे ताकि कोई रास्ते में कोई ज़रूरतमंद मिलेगा या अभी तो उनको ज़रूर दे दीजिएगा। और अब अब्बू जी जा रहे हैं, मेरे को एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं अब निकल रही थी। मैं पता है वॉइस रिकॉर्डिंग करते करते रोने लगी थी, फिर मैं कैमरा को रख दी, मतलब मोबाइल को रख दी, फिर थोड़ी देर बाद फिर वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये ऐसा होता है। और सब खड़े हैं और सुबह का टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 7:30-8 हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7:30-8 हो रहा था। तो अब जब पहले जा रहे थे अब ना तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था ना वैसे वैसे बच्चे अब हम भी जाएंगे अब भी जाएंगे करके हो रहे थे दोनों बच्चे, तो अब बाय करेंगे। अब उन लोग को हम लोग समझा रहे थे कि हम लोग जब जाएंगे ना, मम्मी जब जाएगी तब जाना, अभी मम्मी नहीं जा रही है इसलिए आप लोग भी मत जाओ। और मैं यहाँ नस्सों को बोल रही थी नस्सों नीलू के साथ ज़रूर आना, मतलब दोनों सिस्टर एक साथ कभी आना एक आध हफ्ता रहने के लिए तो अच्छा लगेगा, साथ में रहेंगे तो वही सब बातें कर रहे थे। और अब अब्बू जी जा रहे हैं, क्या बोलूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जब मायके से आती हैं या कोई मायके से आता है और वो जाता है तो आप लोग को कैसा फील होता है और आप लोग क्या रियलाइज करती हैं। फ़िलहाल अब्बू के यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करते हैं और अब चलते हैं, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बच्चे बाय कर रहे हैं नानू को, जाने के बाद इन लोग को फील हुआ, नहीं गए थे तब तक इन लोग कुछ नहीं कर रहे थे, जाने के बाद इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, इन आया तो कुछ ज़्यादा ही। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।